तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। आज हम मतलब अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम करने वाले हैं। आज हम कुत्ते के बच्चों को खाना देने वाले हैं। हमें पता चला था कि दुर्गा बिल्डर में ना कुत्ते के बच्चे ने मतलब एक कुतिया ने बच्चे दिए, तो फिर आज हम उसे मतलब बिस्कुट देने आ गए हैं। देखिये पाले जी लेके आ गए हैं हम, तो एक एरा और एक अभी जेब में। हम पे ज्यादा पैसे तो थे नहीं, तो फिर हम पार्ले जी ले लिए। 10 रुपए थे तो हम 10 रुपए का ही पार्ले जी खिलाने आ गए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी हम कुत्ते के बच्चे को खाना खिलाने चलते हैं। तो चलिए गाइस, देखिए जैसे कि इधर अंदर की साइड है वो कुत्ते के बच्चे, देखिए वो रहा। और अभी हमें उधर ही जाना पड़ेगा इन्हें खाना देने के लिए। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो गाइस देखिए, यही है वो ब्रांड जो उनके पेट में जाएगा। और अभी हम इन्हें पाले जी खिलाने जा रहे हैं। देखिए वो हमें देख के छुप रहे हैं, तो फिर अभी हम इन्हें खिलाने जा रहे हैं। फ्लैश ऑन करिए गाइस का सब्सक्राइब। गाइस देखिए ये है इनका घर। अच्छा देखते हैं खाते हैं कि नहीं। ओ गाइस इन्होंने तो इसे इग्नोर कर दिया। अबे खा ले अबे खा ले, एक तो तेरे ऊपर पैसा खर्च करा, समोसा खा लेते हम 10 का। समोसा खा लेते हैं हम बच्चा। कोई बात नहीं, बंद कर ले। तो गाइस देखिए, जैसे कि ये तो बिस्कुट खा नहीं रहे, हमारे पैसे बर्बाद कर दिए। और हमारे यहाँ ना 5 रुपए का एक समोसा आता है। देखिए मैं 5 रुपए का समोसा लेता ना अगर, तो फिर 2 समोसे खा लेता मैं। लेकिन इन दुष्टों की वजह से मैं अब सारा पैसा बर्बाद हो गया इस पार्ले जी में। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में आप कह सकते हैं। इसीलिए शायद इन्हें कोई खाना नहीं देता है। अब तो मैं किसी भी कुत्ते को आज के बाद खाना दूंगा नहीं। गाइस इधर की आंधी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। इतनी तेज हवा चल रही है और बारिश भी बहुत ज्यादा आ रही है। अब हम मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। देखिए इतनी ज्यादा मतलब आंधी आ रही है। तो चलिए मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ। मतलब व्यू तो दिखा चुका हूँ, अब हम देखते हैं कि अब हम कैसे बचेंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए जैसे कि इधर बहुत ज्यादा तेज आंधी आ रही है और अभी हमें बचने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अरे ऋतिक भाई कहाँ गए? ऋतिक अबे यार ऋतिक कहाँ गया? ऋतिक ये ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया। गाइस मेरे हिसाब से इधर खतरे से खाली नहीं है, इधर आना। तो दोबारा नीचे चलते हैं। ये ऋतिक पता नहीं कहाँ चला गया गाइस। ठीक है तो चलिए अब बाहर चले, क्योंकि तो इधर भी आना खतरे से खाली नहीं लग रहा। हर जगह आ गया है, यहाँ पे मतलब उत्तर है।
गाइस इधर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि इधर हमें छुपने की जगह ही नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से ये दीवार का कोना मिला है क्योंकि हर जगह बहुत ज्यादा मतलब हवा आ रही है और पानी आ रहा है, तो हमारी आंख में कुछ भी चला जा रहा है। और इधर भी देखिए बारिश का थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, पता नहीं भगवान क्या ही करना चाह रहे हैं हमारे साथ, भगवान को भी तो नहीं पहुंच सकते ना। इसलिए मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि हमारे लिए रुकना कितना ज्यादा मुश्किल है। हमारे ऋतिक भाई की आंख में कुछ चला गया, पूरी उधर वाली आंख लाल हो रखी है। और देखिए इधर ये बारिश हो रही है बाहर बहुत ज्यादा, उधर मतलब पूरा मौसम खराब है इधर का। और अभी हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, एकदम आई भी ऐसी जगह है ना। तो गाइस देखिए जैसे कि इधर बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद बारिश खत्म हो चुकी है और अभी हमारे कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, चलो बाय, जल्दी से व्लॉग को लाइक कर दो।